स्टूडेंट स्वागत है आप लोगों का ऑनलाइन स्पीच क्लास में। मैं आज आप लोगों को क्लास फोर इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फोर जेंडर इसके बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। इसका हिंदी मीनिंग होता है लिंग। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊंगा कि लिंग क्या होता है। आप ध्यान से सुनेंगे, अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। तो सुने, लिंग क्या होता है? वह संज्ञा शब्द जो नर मादा अथवा किसी अन्य का बोध कराता है वही हमारा लिंग कहलाता है। वह संज्ञा शब्द जो हमें किसी के नर मादा अथवा किसी अन्य के होने का बोध कराता है वही हमारा लिंग कहलाता है। यानी कि अ नाउन वर्ड दैट टेल्स अस अबाउट सेक्स ऑफ लिविंग थिंग्स और अदर्स इज कॉल्ड जेंडर। A noun word that tells us about sex of living things or others is called gender. देखेंगे डिफिनेशन है जेंडर का। A noun word that tells us about sex of a living things are others is called gender। यानी वह संज्ञा शब्द जो हमें बतलाता है किसके बारे में, सेक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, किसी सजीव वस्तु के नर या मादा होने का अथवा किसी अन्य के। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो हमें किसी अन्य अथवा किसी सजीव चीज के नर या मादा होने का बोध कराता है वही हमारा जेंडर यानी कि लिंग कहलाता है। ये डेफिनेशन हो गया। अब जेंडर इंग्लिश में ये देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो देखें कौन सा जेंडर, कौन सा, तो ये जान है There are four kinds of gender. There are four kinds of gender. चार प्रकार के होते हैं लिंग इसमें, मस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूट्रल। कौन सा जेंडर, न्यूट्रल। मस्कुलिन यानी कि पुरुष लिंग, पुरुष लिंग, स्त्री लिंग यह होता है उभय लिंग और यह होता है नपुंसक लिंग। ये चार प्रकार के होते हैं पुरुष लिंग, स्त्री लिंग, उभय लिंग, नपुंसक लिंग, मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये चार प्रकार के होते हैं। तो बारी बारी से इनका डेफिनेशन देख लें। यानी कि ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल, ए नाउन इसका डेफिनेशन है ये, ए नाउन दैट दैट डिनोट्स ए मेल इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, इज कॉल्ड मस्कुलिन, मस्कुलिन जेंडर। यानी कि वह संज्ञा शब्द जो बतलाता है एक मेल का, या इसको सेक्स ऑफ मेल कह सकते हैं, डिनोट्स सेक्स ऑफ मेल। यानी ये नाम का डिनोट्स सेक्स ऑफ मेल कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर, या सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं। एग्जांपल, बॉय मैन टाइगर एक्टर इफिसी इत्यादि। यानी कि लड़का, आदमी, चीता और एक्टर यानी कि नायक। तो ये दिया हुआ है कलाकार, एक्टर मीन्स कलाकार। तो ये दिया हुआ है ये सभी हमारे मस्कुलिन जेंडर। तो वह संज्ञा शब्द जो नर का बोध कराता है
मस्कुलिन जेंडर लेंगे पुरुष लिंग, और स्त्री लिंग देखें स्त्री लिंग क्या होता है, ज्यादा परिवर्तन नहीं है, बस ये थोड़ा सा परिवर्तन कर देंगे। अब जीनोस ए मेल के स्थान पे फीमेल, इसका फैमिली जेंडर, बस यहां ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, बाकी सारा चीज वही है। अब एग्जाम्पल बदल जाएगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बॉय था गर्ल हो जाएगा, मैन था वुमैन हो जाएगा, टाइगर था टाइगर्स हो जाएगा, एक्टर था एक्ट्रेस हो जाएगा। तो यही चीज हो जाएगा उसका स्त्रीलिंग, वह संज्ञा सब जो स्त्री जाति का गुण कराता है स्त्रीलिंग कहलाता है, जैसा कि ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब आते हैं ये किसका डिफिनेशन था, ये था फेमिनिन जेंडर स्त्रीलिंग का डिफिनेशन। अब इसका डिफिनेशन देखते हैं, उसके डिफिनेशन में क्या होगा, उसमें थोड़ा सा चेंज कर देंगे। ये इसका डिफिनेशन अब चल रहा है, हो जाएगा ए नाउन दैट डिनोट्स ए कॉमन सेक्स, इसका कॉमन जेंडर। देखा थोड़ा थोड़ा सा ही बस चेंज हो रहा है, यहां पे नाउन बैक के रूप से कॉमन सेक्स, इसका कॉमन जेंडर। अब कॉमन सेक्स ये एग्जांपल बदल जाएगा, एग्जांपल तक क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका जैसे बेबी, पैरेंट, एनिमल, पीपल, एटीसी, ये एग्जाम्पल, ये सभी हमारे कॉमन वर्ड यानी किचन दोनों में आते हैं। अब ये जो एग्जाम्पल है वो मेल का डिवोट करा रहा है, फीमेल का भी वोट करा रहा है, तो हमारा हो जाएगा क्या कॉमन जेंडर, कौन सा जेंडर हो जाएगा कॉमन, कॉमन मीन्स उभय लिंग, उभय लिंग। तो ये इसका डिफिनेशन था। अब देखेंगे न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर देखेंगे इसका डिफिनेशन हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर का नाम दैट डिनोट्स ए लाइफलेस थिंग, ए ए लाइफ लेस थिंग थिंग इज, ये वही है लेकिन थोड़ा सा उधर चला गया है, लाइफ लेस थिंग ये इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा थोड़ा बदल रहा है, डिफिनेशन वही है, एक याद करेंगे पूरा याद हो जाएगा, जहां पे चेंज हो रहा है बस वही चेंज कर देंगे। ए नाउन दैट डिनोट्स ए लाइफ लेस थिंग इज कॉल्ड, इसका क्या इसका न्यूट्रल जेंडर, क्या हो जाएगा न्यूट्रल जेंडर, और उसका एग्जांपल हो जाएगा पेन हो जाएगा, बेंच हो जाएगा, टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, इटीसी, ये सभी हमारे न्यूट्रल जेंडर है। तो ये चार इनका डिफिनेशन हो गया, एग्जांपल हो गया। अब इसमें देखते हैं कि मस्कुलिन जेंडर को, मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में चेंज करने के नियम क्या है, यानी कि मस्कुलिन जेंडर को फेमिनिन जेंडर में जेंडर में बदलने के नियम, नियम क्या है कि कुछ मस्कुलिन को स्त्रीलिंग में कैसे बदलेंगे। तो पहला नियम यह है कि नाउन के अंत में क्या लगा करके ई डबल एस या डबल एस लगा,
याद रखिए नाम के अंत में EWS या SSS लगा है, जैसे घाट यहां पे लिखेंगे ये लिया है, ये मस्कुलिन है, ये फेमिनिन है, अब यहां पे लिख लेंगे गॉड, इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा, उसके बाद हॉर्स इसका फेमिनिन क्या हो जाएगा। अब आगे देखा तमाम एग्जांपल आप देखेंगे, जैसे प्रिंस भी एक ले लेते हैं, ये तीन एग्जांपल हमने आपको दिया है कैसे चेंज करेंगे। तो अंत में EWS या SSS लगाते हैं, क्या करते हैं फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, जैसे गॉड तो GOD EWS ये लगा करके बना हॉस्ट। अच्छा दो चीज हमने लिखा है, ये ध्यान रखेंगे जहां पे अंत में ई दिया होगा तो SSS लगाएंगे, जहां पे नहीं दिया होगा तो EWS लगाएंगे, बस इसका ये मतलब है। हॉस्ट दिया है हॉस्ट, अब यहां पे नहीं दिया है तो EWS लगाएंगे, उसी तरह यहां लिखा प्रिंस अंत में ये दिया है EWS, ये हो जाए। अब देखें यहां सिंगल है, हमने यहां पे डबल कर दिया है, इसका कारण यह है कि अगर जो कंसोनेंट दिया है उससे पहले वॉवेल हो तो लास्ट वाले लेटर को हम डबल कर देते हैं, जैसे यहां पे GOD DDEWS ये किया गया है। तो ये नियम है अंत में नाम के EWS या SSS लगा करके। आइए दूसरा नियम देखते हैं, दूसरा नियम हमारा यह है कि नाउन के अंत में आर के पहले, ये ध्यान रखेंगे अगर नाउन के अंत में आर दिया हो और उसके पहले, इसका आशय यह है कि नाउन के अंत में आर दिया हो और उसके पहले ओ अथवा ई हो तो उसको हटा करके EWS लगाना, जैसे एक्टर। अब देखेंगे यहाँ पे आर है, आर से पहले हुआ है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ये हो गया टाइगर्स, सबके अंत में आ रहा है, तो यही कहा गया है कि अगर अंत में आ रहा हो और उसके पहले ओ अथवा ई हो तो उसको हटा करके EWS लगा रहा है, इससे भी हमारा फेमिनिन जेंडर बनता है। जैसे एक्टर है, इसका फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा, ACT इतना तो लिखेंगे, अब इसको हटा देते हैं सीधे आ देते, इसको क्या किया हटा दिए आ दिए, अब EWS बस यही कर रहे हैं। यहां पे TIG हटा देंगे RE EWS, यानी कि जब आर हो उसके पहले वो जो हटा करके लास्ट में EWS करेंगे। डॉक्टर DOCT उसके बाद RE EWS, बस ये था दूसरा नियम कि अगर नाम के अंत में आर दिया हो और उसके पहले ओ और ई हो तो ओ और ई को हटा करके EWS लगा करके हम क्या करते हैं स्त्रीलिंग बनाते हैं, ये था दूसरा नियम। तीसरा नियम है कंपाउंड वर्ड अथवा बदल, कंपाउंड वर्ड या प्रोनाउन को बदल करके। तो ये देखना पहले कंपाउंड वर्ड होता क्या, कंपाउंड का हिंदी होता है जुड़ा हुआ, यानी कि वह शब्द जो जुड़ा हुआ होता है, जैसे
मिल्कमैन, उसके बाद वॉशरमैन और मैन सर्वेंट, सी जी आई सी बोर्ड, ये दिखा है सी नहीं बल्कि इसको करना है ही बोर्ड। ये सब हमारे मशीन है, फर्मिंग कैसे करनी होगा देखेंगे। यही हमारे कंपाउंड वर्ड है, एक दो शब्द इसमें है, कंपाउंड है, जुड़ा हुआ है। वॉशर मैन ये जुड़ा हुआ है, मैन सर्वेंट ये जुड़ा है, ही गोट ये जुड़ा हुआ है। तो यही शब्द हमारे कंपाउंड वर्ड है। अब प्रोनाउन, ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे फेमिनिन जेंडर बदलने के लिए मिल्क मैन दिया है, तो मिल्क मैन को हम क्या कर देंगे, मिल्क मिल्क को मैन कर देंगे। ये कहीं को बदलेंगे, मैन है वो मैन कर देंगे। अब यहां पे वही चीज दो बार इन क्लास में जो इमेज दिया हुआ है, मैन दिया है, तो आप इसको चाहे तो इसके स्थान पे आप कर सकते हैं मैन दिया, तो वो वुमेन से ही बनेगा। एक दूसरा उदाहरण हम लिख रहे हैं, जैसे जैसे ग्रैंड ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर मस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर चेंज करेंगे। मैं चाह रही से एक दोनों को नहीं, जो कंपाउंड वर्ड होते हैं एक ही वर्ड को चेंज करते हैं फेमिनिन जेंडर। तो मिल्क मैन है तो मिल्क वुमेन हो गया, ग्रैंड फादर है तो हो जाएगा ये ग्रैंड फादर को चेंज कर देंगे मदर, यानी कि एक ही पार्ट को हमें बदलना है, जो बदलने लायक है, जो बदलने लायक है उसी को बदलेंगे। मिल्क को तो बदला नहीं जा सकता, इसलिए मैन को बदला जा सकता है, मैन को बदलने की बिल्कुल नहीं। ग्रैंड जितने बदला जा सकता है ये बदला जा सकता है, तो फादर को बदलेंगे। मैन सर्वेंट दिया हुआ है तो सर्वेंट को नहीं बदला जा सकता, किसको बदला जा सकता है, मैन, तो इसको बदलेंगे। यानी कि जो मस्कुलिन है मस्कुलिन वर्ड को बदलना है, तो ये मस्कुलिन वर्ड है। मैन सर्वेंट दिया है, मैन को मैन सर्वेंट बोलेंगे, मैन सर्वेंट। अब चाहे तो मैन सर्वेंट भी बोल सकते हैं, मैन को मैन सर्वेंट या वुमेन सर्वेंट बोल सकते हैं, जैसे मैन का वुमेन होता है, दोनों कर सकते हैं। उसके बाद ही गोट दिया है, ही का स्त्रीलिंग होता है सी गोट, ही का सी गोट। ये ध्यान रखेंगे कि मैन और वुमेन वाला, तो उसके स्थान पे मैन को वुमेन कर सकते हैं या मैन को मैरिड कर सकते हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन तो ये कंपाउंड वर्ड थे, इनका स्त्रीलिंग कैसे बनाते हैं ये भी बता दिया गया है, कि जिसका जो कंपाउंड वर्ड होते हैं जिसका स्त्रीलिंग बनने लगता है उसी का बदलेंगे। ये नहीं कि वो मन भी डिपेंड करता है कि मन करता है इसको बनाने के लिए इसको, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जो मेन मस्कुलिन जेंडर है उसी को चेंज करेंगे। अब अगला नियम चौथा जो है वो ये कि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, कुछ कुछ मस्कुलिन का फेमिनिन बिल्कुल भिन्न होते हैं, जैसे बॉय, ये नहीं भिन्न होने का मतलब बिल्कुल अलग होता है, ये नहीं कि कुछ उसमें लगा लो, ये चीज लगा के उसको बना लो या कुछ शब्द लगा के बना लो, ऐसा नहीं, बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे बॉय है इसका हो जाएगा गर्ल, मैन है इसका हो जाएगा मैन, डब्ल्यू डब्ल्यू हो जाए मैन, बॉय का गर्ल, मैन का वुमेन, मदर मदर फादर फादर मदर, डॉग डॉग
बीच। तो ये तमाम एग्जांपल हैं आपके जिसका जो कुछ मस्लिन होते हैं फेमिनिन से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं। तो ये चीजें थी, आप लोगों के सिलेबस में बस इतना दिया है इस जेंडर के बारे में। उम्मीद है ये चीज आपको पसंद आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। अगर समझ में ना आया हो तो आप इस वीडियो को पुनः देख सकते हैं। धन्यवाद।